हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कर रहे हो? तो आओ, जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आपको टेन ए प्लस बी से रिलेटेड फॉर्मूले में बताऊंगा, तो टेन ए प्लस बी और माइनस, ये अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर से समझे, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हमें प्रूव करना है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले ही समय बचाते हुए लिख लिए थे, तो मैं इसका पहले का सल्यूशन कहो, प्रूफ कहो, जो कहना हो कहो। और ये क्वेश्चन ऐसा है, ऑटोमेटिक आंसर आता है इसमें। ये टेंथ जैसा नहीं है, नाइन्थ जैसा, एलएचएस को छूना है, आरएचएस को नहीं छूना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ इतनी फर्क नहीं पड़ता। आप चिंता से मुक्त हों और साथ में बने रहें। 3x इज इक्वल टू होता है 2x प्लस एक्स, ये तो कोई नई बात नहीं, सबको मालूम बराबर। ये इसके लिए, क्योंकि 3 और 2x और x का कुछ तो लिंक है, सोचो यार, यही लिंक होगा। अगर ऐसा लिख दो, क्या 2x बराबर 3x माइनस x तो नहीं है क्या? तो भी है, कोई दिक्कत थोड़ी, वैसा लिख लेना एक बार घर पे खुद ऐसे करना। दोनों साइड टेन ले लिया, ये टेन लिया, और हम सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं दोस्तों? समय को। तो इसको ओपन कर लेते हैं और नीचे नहीं लिखते, यही लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, प्लस और माइनस, टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसका, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये टेन थ्री एक्स वन माइनस टेन टू एक्स टेन एक्स, और राइट साइड में कितना है? राइट साइड में है टेन टू एक्स प्लस, दूर लिख दिया ज़्यादा, टेन एक्स। अब इसको ओपन कर लें, ओपन करते से चमत्कार देखने को मिलेगा, ठीक है ना? फिर बोलना मत कि सर आपने चमत्कार दिखाया नहीं। टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स, ओपन। राइट साइड क्या कहती है दोस्तों? राइट साइड कहती है टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स एक्स। आ गया क्या? हाँ आ गया। अब ये इसको उधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, इसको उधर और इन दोनों को इधर, तो ये आपका आ गया आंसर। कैसे आ गया? टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। हैंस प्रूव्ड। इसलिए ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया दोस्तों? पहला वाला पार्ट। अब इसी तरह से आपको थर्ड वाला प्रूव करना है, तो थर्ड वाला मैं आपके प्रेम में छोड़ रहा हूं। 13 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 9 थीटा प्लस 4 थीटा। ये इसकी हिंट है। क्या ये इसकी हिंट है? अगर आप ऐसे लिख के करोगे तो 13th आप कर लोगे, और करोगे ही आप, क्योंकि आप तो होशियार हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो 13th आपके लिए छोड़ दिया। अब हमें जो प्रूव करना है, कौन सा वाला पार्ट प्रूव करना है? हमें इसका सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करना है। तो सेकेंड वाला पार्ट कॉट कॉट में लिखा है, तो क्या फिर 3x को 2x प्लस एक्स लिखें, कॉट लें? और कॉट का फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो कॉट की प्रॉब्लम है वो टेन से अपने आप हो जाती है। तो आप बस कुछ मत करो, इसको एलसीएम ले लो। इसके आगे बढ़ते, वन अपॉन कॉट 3x माइनस वन अपॉन कॉट 2x माइनस वन अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट 3x कॉट 2x और ये हो जाएगा कॉट एक्स। अब
आप ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आएगा तो अब तो आपको यहाँ तक तो वैसे ही आना है जैसे आप आए थे फर्स्ट में, उसके बाद आप सेकंड के लिए मूव करेंगे और वहाँ हैंस प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, बस आपका सेकंड आ जाएगा। तो अब मेरे ये जगह कम, आप जानते हो मुझे रब करना मेरी मजबूरी हो गई, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों इसको रब कर दिया, ओ माय गॉड, मिट गया। कोई बात नहीं, आपके पास तो है ना, आप तो उसको रिवाइंड कर सकते हो, तो आप देख लीजिएगा कि क्या लिखा था मैंने, और मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो इसका एलसीएम होगा कॉट 3x, कॉट 2x, कॉट x, तीनों। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करो इसको मन में, है ना, सीधे सीधे मत कर देना कि काट दिया, डिवाइड किया तो ये दोनों बचेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपके पास, कॉट 2x, कॉट x, माइनस कॉट 2x से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों बचे, तो कॉट 3x, कॉट x, माइनस इसको डिवाइड किया तो ये दोनों बचे, तो आपके पास आ जाएगा कॉट 3x, कॉट 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट x, कॉट 2x, कॉट 3x। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल, यस। और आप देखो कि हो गया प्रूव, यही तो प्रूव करना था आपको, तो जो आपको प्रूव करना था दोस्तों वो अब प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। आप एक स्टेप बढ़ा देना, हेंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 देता हूं, 1 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री। क्वेश्चन देख लूं कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, अगर गलत होगा तो सुधार देंगे, तो क्वेश्चन तो सही है, फिर क्या करने का। तो इसकी बिगिनिंग के लिए आप ऐसा करिए, 45 डिग्री से स्टार्ट करें, वैल्यू मत रखने लगना, वैल्यू रखना फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रख के कर सकते हैं, वैल्यू निकालना भी सिखाई मैंने आपको, मुझे मालूम है आपको आता है, इससे बहुत अच्छा स्टाइल से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री, 1, यहाँ फॉर्मूला लगा दो, 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री। अब इसको इधर भेज दें तो ये जाएगा 1 माइनस 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री। अब क्या करना है, अब तो समझ गए, ये माइनस वाली चीज को उधर भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब आपको मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा जिसको आप कर सकोगे, इसमें तो आप वैल्यू रख के भी कर सकते हो, पर जो मैं अगला वाला कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ ना उसमें आप वैल्यू नहीं रख पाओगे, तो इस कैसा होगा वो कॉम्बिनेशन, है ना, आपको एक्साइटमेंट होगी। तो मैं अगला वाला बोलता हूँ आपको कि ये भी प्रूव दैट का ही क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है आपको, 1 इज इक्वल टू 10 21 डिग्री प्लस 10 24 डिग्री प्लस 10 21 डिग्री इंटू 10 24 डिग्री। तो बस समझ गए ना आप 45 डिग्री को क्या लिखोगे, इसकी हिंट है, 45 डिग्री को क्या लिखोगे, 21 डिग्री प्लस 24 डिग्री, और ऐसा लिखते से ही आपका काम
एक नंबर बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सवाल जो 10a+b पे, अब 10a+b पे सवालों की भरमार है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आओ और कुछ नया देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपके पास है, आपको अगला भी इसी टाइप का है, मैं अगला बताता हूँ। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, 10 70 degree इज इक्वल टू 10 50 degree प्लस, सॉरी 10 20 degree प्लस 2 10 50 degree। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये मेरे नोट्स है जो मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अब जल्दी जल्दी करते हैं। 70 डिग्री को क्या लिखा, 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों साइड क्या ले लिया, 10 ले लिया। अब क्या करेंगे, तो इसको ओपन कर देंगे, 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री अपॉन 1 माइनस कितना, 10 20 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये 10 70 डिग्री है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो ये जाएगा 10 70 डिग्री माइनस, डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी, 10 70 डिग्री 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। ये टीचर्स को बहुत पसंद है सवाल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घूम जाता है बच्चा। अब देखो 10 70 डिग्री प्रूव करना था, आ गया, 10 20 डिग्री प्रूव करना था, आ गया, ये भी प्रूव करना था 2 10 50। तो एक 10 50 तो आ चुका है, पर प्रूव क्या करना है, 2 10 50। तो अगर ये भी 10 50 बन जाए तो काम बन गया, तो बन जाएगा भाई, चिंता मत करो। ये हो गया 10 70 डिग्री माइनस, इस 10 70 डिग्री को आप लिख दो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ट्रिक, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रिक है, ये जो एरो है ट्रिक का एरो है। 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री राइट साइड में कितना हो जाएगा, 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। अब देखो 10 70 डिग्री माइनस 10 90 माइनस 20 कितना होगा, कॉट 20 डिग्री। अब बहुत बात तो समझ ही गए होगे कि क्या होने वाला है। क्या समझ गए हो कि cot 20 डिग्री को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन। अब cot 20 को लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 10 70 डिग्री माइनस, cot 20 को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 10 20 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू कितना है, 10 20 डिग्री 10 50 डिग्री। अब ये 10 50 डिग्री उधर भेज देंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 70 डिग्री 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। और आपने महसूस भी किया होगा कि इट्स अ क्वालिटी क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है, दिमाग तेज चलाने वाला सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है। तो ये था एक सवाल। अब कुछ क्वेश्चंस, ये तो प्रूव दैट वाला था, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वैल्यू भी निकालनी होती है, तो मैं आपको वो वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस भी बताता हूँ, ताकि आप होशियार नहीं, बहुत होशियार बनो और आगे बढ़ो। आपको अगली बात सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपसे पूछते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में, टेन ए की वैल्यू है 5/6, टेन बी की वैल्यू है
1/11, और बोलते हैं कि फाइंड क्या करना है आपको, ए प्लस बी पता लगाना। तो ए प्लस बी पता लगाना है तो क्या करना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड मन से ऐसा कर लो, टेन ऑफ ए प्लस बी लिख लो, क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब वैल्यू रख दो, 5/6, 1/11, 1 माइनस 5/6, 1/11, एलसीएम 66 आएगा इसका, ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 प्लस 6 × 1 = 6 अपॉन ये 66, 11 × 6 66 − 5, तो 66 − 5 क्या होता है, 61 होता है ना, तो 61/66, ये भी तो वही है, 61/66 कैंसिल, 1 हो गया, तो टेन ए प्लस बी 1 हो गया। तो इसका मतलब टेन क्या हो गया, ये 45 डिग्री या पाई बाय 4 लिख लो, 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 4 लिखते हैं ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब मन हो रहा होगा ना कि सर एक हमको भी दो क्वेश्चन, ऐसा एक नहीं तुम दो लो, और दोनों क्वेश्चन घर पे करना, सेल्फ ट्राई करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मुझे याद है, टेन ए इज इक्वल टू 1/2, टेन बी इज इक्वल टू 1/3, और फाइंड क्या करना है आपको और प्रूव करना है। चलो प्रूव में लिख देता हूँ कि प्रूव दैट, याद करोगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, ऐसे ही कर देना, करना जरूर, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो 9th क्वेश्चन है उसको एक काम करता हूँ, मैं उसको कॉट के टर्म्स में लिख देता हूँ, 10-10 वाले दो हो गए, तो एक जो क्वेश्चन है मैं कॉट में लिख देता हूँ, कि अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉट अल्फा इज इक्वल टू लिख दिया, कहाँ चला गया ये, कॉट अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस 1/m, तो टेन अल्फा निकाल देना इससे, कॉट बीटा इज इक्वल टू 2m + 1, इसका नहीं बोल रहा, तो अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, वही जो बोलते थे, क्या प्रूव करोगे, पाई बाय 4 ही तो करोगे, तो ये पाई बाय 4 है, तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाला क्वेश्चन होपफुली 8th और 9th में, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि आप होशियार स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, इसका मतलब होशियारी हो, और आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हो, सिस्टमेटिकली देख रहे हो वीडियो को, तो इसका मतलब आप कर लोगे। अब आपको मैं एक अच्छा सवाल और बताता हूँ, कि अगर आपको a प्लस बी अगर पाई बाय 4 दे दिया हो, a प्लस बी पाई बाय 4 दिया है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन प्रूव दैट, इसका मतलब है इफ देन, इफ दिस इज देन दिस, क्या प्रूव करना है, 1 + tan a 1 + tan b इज इक्वल टू 2, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो a प्लस बी क्या गिवन है, a प्लस बी पाई बाय 4 गिवन है, तो इसको नंबर 1 दे दो, और जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, क्या प्रूव करना है, 1 + tan a 1 + tan b, तो इसको लिख सकेंगे आप 1 + आप चाहें तो a की वैल्यू रख दें, चाहें तो b की इससे रख दें, अगर a की रखना है तो a की रख लो, तो a की वैल्यू होगी पाई बाय 4 माइनस बी, टेन पाई बाय 4 माइनस बी, और 1 + tan b, इसको मत छेड़ें, इसको वैसे ही लेना। अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1 + क्या फॉर्मूला है आपका, टेन पाई बाय 4 माइनस टेन बी, अच्छा है, माइनस का पहली बार ही आया क्या अभी, ठीक है माइनस का है, 1 + tan π/4 टेन बी, टेन पाई बाय 4 मालूम है आपको क्या होता है, 1, तो 1 लिख देंगे टेन पाई बाय 4 की जगह, तो ये हो जाएगा 1 + 1 - tan b अपॉन 1 + tan b 1 + tan b
अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 + 10b प्लस 1 - 10b अपॉन 1 + 10b और ये आपकी मुराद इच्छा पूरी हुई। कैसे? ये इससे कैंसिल हो गया और 10b से कैंसिल हो गया, 1 + 1 कितना हुआ 2। तो ये आपका प्रूफ था इसका, इस क्वेश्चन का। कौन सा क्वेश्चन था भाई? 11वां, 11th क्वेश्चन था। तो 11th क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। और देखें आपकी बहुत कम समय में हम काम कर लेते हैं, अभी लगभग मेरे ख्याल से 20 मिनट हुए होंगे। अब आप देखिए कि 12th क्वेश्चन क्या है। तो 12th क्वेश्चन में ये भी बड़ा पॉपुलर है कि प्रूव दैट cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan 36 डिग्री। अब इसका भी कोऑर्डिनेशन है। क्या कोऑर्डिनेशन है दोस्तों? कि tan 36 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? 45 से इसको देखो, 45 से कनेक्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री माइनस 11 डिग्री, ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, 45 माइनस कितना लिख सकते हैं आप इसको? 36 को नहीं, 36 तो ठीक नहीं है, 11 में 45 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका? 34 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ 9 डिग्री होता तब आ जाता। तो मैं 9 डिग्री वाला आपको अगला दे दूंगा, तो आप नर्वस नहीं हो। तो यहाँ पे 34 डिग्री है ना, तो 34 ही रहने देते हैं, 34 डिग्री। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 डिग्री। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होता है इनका क्वेश्चंस का। अब ठीक है, मैंने बिना देखे लिख दिया था इसलिए ऐसा हुआ, tan 45 डिग्री माइनस tan 11 डिग्री, 1 + tan 45 डिग्री tan 11 डिग्री। अब tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप? tan 45 को लिख सकते हो 1, और समय अगर बचाना है तो tan 11 डिग्री को लिख लो, क्या लिख लो? sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री होल अपॉन 1 + tan 45 डिग्री 1 है, ये हो जाएगा sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। और एलसीएम लिया कि आंसर आया, क्या एलसीएम भैया? एलसीएम सिंपल, सब आता आपको, एलसीएम लो, क्या बन जाएगा? cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, आ गया ना। अब वो जो मैं बोल रहा था वो क्या था, चलो अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। वो 9 वाला भी दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आप धनवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, गुणवान हो जाएं। वो क्वेश्चन नंबर 13 है, वो ऐसा कर देते हैं उसको, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री। इसमें आपको प्रूव करना है tan, समझ ही गए अब तो क्या बताना, 36 डिग्री आएगा इसमें। और अगर ये प्लस का होता तो आपको प्रूव करना रहता है tan 54 डिग्री। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 14 बोल देता हूँ, और tan 54 मत, नहीं प्रूव करा था आपसे, tan 54 को cot में क्या लिख सकते हैं? तो cot में लिख सकते हैं उसको cot 36 डिग्री। अब मैं आपको कोई हिंट नहीं देता, अब आप आगे बढ़ना और खुद ही अपना दिमाग लगा के इस सवाल को भी कर दीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और छोटे सवाल, धांसु सवाल, एक नंबर सवाल, और कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोस्तों ये 10 के काफ़ी क्वेश्चन हमने किए, और भी क्वेश्चन कर सकते थे। एक मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूँ, और वो जो हमने 70 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री का एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, 70 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री का, उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। और वो मैं आपके प्रेम में 15th नंबर उसको देता हूँ, कि अगर आपका इफ, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, इफ x + y = π/2,
नॉट जेड, पाई बाय टू, पाई बाय टू, एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स। एक्स प्लस वाई, ध्यान से देख लो आप, एक्स प्लस वाई कितना है आपका, पाई बाय टू, और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, एक्स है। तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई प्लस टू टेन जेड। तो यह आप प्रूव करना अपना रिस्पॉन्स 9685698056 व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आप अपडेटेड बने रहेंगे, अगले वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। मैं आपका साथी, दोस्त, टीचर, गाइड, मेंटर डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, गूगल में मेरे कई रिसर्च पेपर हैं, यू कैन गूगल और आप देखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मेरी बेस्ट विशेज़।